हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल अट्रैक्शन। देख लीजिए लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई लाइन आपकी, ये फ्रेंड्स अगर कोई लाइन आपकी, जैसे सपोज मान लीजिए ए एंड बी है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ठीक है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये आपका हो गया फोर बियरिंग, ये आपका हो गया बैक बियरिंग, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस आपका 180 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि इन स्टेशंस पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन आपका नहीं। अब लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, देखिए जब भी हम सर्वेइंग करते हैं तो हम किससे करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास लेते हैं। उसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को सेल्फ अलाइन करती है। इसके मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में सेल्फ अलाइन करती है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वो अपने आप को सेल्फ अलाइन करती है। लेकिन लोकल अट्रैक्शन होता है, वहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी वजह से जो लोकल अट्रैक्शन होता है उसके कारण क्या होता है, उसमें एरर आ जाती है। उसमें जो मैग्नेटिक बियरिंग हमें मिलती है उसमें क्या होता है, एरर आ जाती है। सपोज यहाँ पर वो मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ठीक, और इधर नहीं है, तो क्या होता है, ये वाला स्टेशन हमारा लोकल अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड हो जाएगा, ये लोकल अट्रैक्शन अट्रैक्टेड नहीं होगा। और या फिर कह सकते हैं कि इधर कोई एक तीसरा स्टेशन है, सी है, ठीक है, ये सी स्टेशन है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फिर है, कितनी क्वांटिटी में है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, हमको नहीं पता। उसके कारण जो एरर आ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। 180 से अगर 180 आ रहा है, देखिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में अगर डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक। अगर 180 आ रहा है तो क्या होगा कि कोई भी स्टेशन हमारा अफेक्टेड नहीं है, ठीक, कोई भी स्टेशन अफेक्टेड नहीं है। दूसरा, कोई अफेक्टेड नहीं है, लेकिन एक चीज में ये और हो सकती है कि अगर हमारा एरर हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसमें इस केस में एरर हो सकती है, कैसे हो सकती है, अगर हमारा सेम नेचर एंड वैल्यू, कैसा है, सेम नेचर एंड वैल्यू, सेम नेचर एंड वैल्यूज कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर -2 की एरर है और यहाँ पर भी -2 की ही एरर है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो वो हमारी क्या करेगी, पकड़ में नहीं आएगी। हम ये नहीं कह सकते एरर नहीं होगा, एरर होगा, लेकिन सेम वैल्यू एंड नेचर का होगा, ठीक। आप देख लीजिए सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, अगर हमारे बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का सम 180 के इक्वल नहीं आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक स्टेशन ए या बी या फिर दोनों ही में क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। दोनों स्टेशन पर का क्या है, लोकल अट्रैक्शन है, जिसके कारण हमारा बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस क्या है, एरर एट ए स्टेशन इज सेम इन बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग। इसका क्या मतलब है, देखिए कि ये कोई स्टेशन है, ठीक है, मान लीजिए ये बी स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन, ये आपका ट्रू नॉर्थ, जो भी एंगल लेते हैं हम क्या करते हैं, क्लॉक वाइज ही लेते हैं, ये आपका ये हो गया, ये आपका ए बी सी। इस स्टेशन पे ये क्या हो गया आपका, फोर बियरिंग हो गया, ये क्या हो गया आपका, बैक बियरिंग हो गया, ठीक है, ये है आपका फोर बियरिंग, ये है आपका बैक बियरिंग। इन दोनों में जो एरर होगा वो सेम नेचर का होगा और सेम वैल्यू का होगा। इस स्टेशन पे जो भी एंगल हम मेजर करेंगे उसका जो एरर होगा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में, जो कि इस स्टेशन पे मेजर किया गया, किसी और स्टेशन की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर हम बी स्टेशन की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम सी और ए की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ही अलग होंगे दोनों के लिए, ठीक है, ये आपका हो गया। इसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से तो ये क्या जा रहा है, ये बैक बियरिंग क्या होगी, बी सी की, ये बैक बियरिंग होगी, ठीक। लेकिन 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 क्या करेंगे, अगर हमारा इस स्टेशन पर कुछ एरर है, ठीक है, तो क्या होगा, सेम होगा किसके लिए, फोर बियरिंग के लिए
और बैक बेयरिंग के लिए, किसके लिए? ये बैक बेयरिंग किसकी है? ये बैक बेयरिंग आपकी एबी की है। ये फोर्थ बेयरिंग किसकी है? ये बीसी की है। तो दोनों में जो करेक्शन अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे? सेम करेक्शन अप्लाई करेंगे। जो फोर बियरिंग जो कि किसकी है? बीसी की है। किस स्टेशन से मेजर कर रहे हैं? बी स्टेशन पे। सेम होगी उतनी ही जितनी की बैक बियरिंग में हम करेक्शन अप्लाई करेंगे स्टेशन बी पर। ठीक, ये पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम आपको बिल्कुल रट लेना और याद करके रखना। ठीक है, आप देखिए आगे देखिए, बैक बियरिंग निकालने का फॉर्मूला और थोड़ा देख लीजिए आप। बैक बियरिंग हम कैसे निकालते हैं? बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस वन। प्लस माइनस का क्या फंडा है इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया होगा, प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, इसी में है। ठीक है, अब लेकिन अभी मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। अगर आपकी फोर बियरिंग 180 से कम है, ठीक है, इससे 180 से कम है तो बैक बियरिंग क्या होगी? फोर बियरिंग प्लस 180। अगर आपका फोर बियरिंग लेस देन है किससे? 180 से। ठीक, वही अगर आपकी बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे? फोर बियरिंग अगर आपकी 180 से ज्यादा है, ठीक है, फोर बियरिंग अगर आपकी 180 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 180 का। कब? जब आपकी फोर बियरिंग ज्यादा होगी किससे? 180 से। ये चीज आप बिल्कुल याद रखना यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, ये आपकी सारी डिग्रीज में दे रखी है, ये आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सारी डिग्रीज में। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या? वह पेयर निकालेंगे जिसका डिफरेंस इसके बराबर आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है। जब इसमें हम देखेंगे सबका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों का डिफरेंस देखेंगे, जो भी डिफरेंस आपका क्या आ रहा होगा 180 के बराबर आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा? उसमें कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पेयर आपका दे रखा है सी डी और डी सी, इनमें जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? डिफरेंस हमारा जो है 180 के इक्वल आएगा। कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी आपका जो है लोकल अट्रैक्शन नहीं है। जब लोकल अट्रैक्शन नहीं है तो कलेक्शन क्या होगा हमारा? जीरो। यहाँ पर क्या होगा? जीरो। देख लीजिए 165 डिग्री 35 मिनट आपका क्या होगा? एक करेक्टेड बियरिंग होगी। इसमें देख लीजिए 345 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, ये आपका क्या होगा? करेक्टेड बियरिंग होगी। ठीक, आप देख लीजिए, ये स्टेशन डी जो है, हमने भी आपको बताया था जितना करेक्शन बैक बियरिंग में होगा, ये स्टेशन डी पे बैक बियरिंग है। ठीक है, इसमें क्या करेक्शन है? जीरो करेक्शन है। तो डीई जो कि क्या है? फोर बियरिंग है, डीई की फोर बियरिंग है, तो इसमें करेक्शन कितना होगा? जीरो करेक्शन होगा। जब जीरो करेक्शन होगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर 224 डिग्री 50 मिनट, ये आपके क्या है? करेक्टेड बियरिंग है यहाँ पर। ठीक है, करेक्टेड बियरिंग, क्योंकि इसमें कोई करेक्शन नहीं है। अब देखिए, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बैक बियरिंग आएगी वो क्या आएगी फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया था बैक बियरिंग निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये आपकी फोर बियरिंग क्या है? 180 से ज्यादा है। तो फोर बियरिंग आपकी 180 से ज्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे? 180 को लेस कर देंगे। हम इसमें 180 को लेस करेंगे तो हमारी बैक बियरिंग कितनी निकल के आएगी? देखिए ये आपकी इतनी है। बैक बियरिंग के लिए हम क्या करेंगे? बैक बियरिंग के लिए हम क्या करेंगे? 224 डिग्री 50 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो कितनी निकल के आएगी? ये आपकी निकल के आएगी 44 डिग्री 50 मिनट। कितनी करेक्टेड बियरिंग यहाँ पर? ये आपकी है 40 डिग्री 50 मिनट। ये क्या है? आपकी करेक्टेड बियरिंग है। ठीक है, करेक्टेड बियरिंग है। और यहाँ पर आपकी क्या है? रॉन्ग बियरिंग दे रखी है।
अकॉर्डिंग टू इसके, ये आपकी करेक्ट बियरिंग है क्योंकि यहाँ पर करेक्शन क्या है, जीरो है। जब जीरो करेक्शन है तो करेक्ट बियरिंग क्या है आपकी, यहाँ पर फोर बियरिंग क्या है, इतनी है फोर बियरिंग है। तो बैक बियरिंग ने कितनी निकाली, इतनी निकाली। जब इतनी निकाली तो कितनी निकल गया, 44 डिग्री 50 मिनट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितनी, ये आपकी क्या है, रॉन्ग रीडिंग है। जब रॉन्ग रीडिंग है तो होनी कितनी चाहिए, 50। कितने का डिफरेंस आएगा अगर इसको निकालेंगे तो, इसमें हम कितना और ऐड करें कि हमारा कितना हो जाए, 44 डिग्री 5 मिनट हो जाए। यानी कि हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 0 डिग्री 45 मिनट। कितना ऐड करेंगे, 0 डिग्री 45 मिनट ऐड करेंगे तो करेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का इसमें बहुत ध्यान रखना है। देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, 44 डिग्री 50 मिनट, ये कितनी आ रही है, 44 डिग्री 5 मिनट। तो इसको, इस वैल्यू को इसके बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 डिग्री 45 मिनट ऐड करना पड़ेगा। तो करेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव करेक्शन हो गया। कितने का, 45 मिनट का पॉजिटिव करेक्शन हो गया। इसमें ये वैल्यू ऐड हो रही है तब ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब स्टेशन पे कितना करेक्शन है, 45 मिनट का, तो उतना ही यहाँ पर जो है बैक बियरिंग में जितना करेक्शन है उतना ही यहाँ पर फोर बियरिंग में करेक्शन होगा। देखिए ई स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ई स्टेशन पर ये बैक बियरिंग कितनी है, इतनी है। फोर बियरिंग कितनी है यहाँ पर ई स्टेशन पे फोर बियरिंग कितनी है, 304। करेक्शन कितना होगा यहाँ पर, 0 डिग्री 45 मिनट। देख ली, अब यहाँ पर करेक्टेड बेयरिंग कितनी होनी चाहिए, इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपका करेक्ट वैल्यू कितनी आएगी, करेक्ट वैल्यू आपकी आएगी 305 डिग्री 35 मिनट, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर आपका फोर बियरिंग 180 से ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, बैक बियरिंग निकालने के लिए वैल्यू फोर बियरिंग माइनस 180, कितने निकल के आएगी, 305 डिग्री 35 मिनट माइनस 180, कितने निकल के आ गई, ये आपकी निकल के आ गई 125, ठीक है, 125 डिग्री 35 मिनट। ये आपकी क्या है, करेक्टेड बियरिंग, क्या है, ये आपकी करेक्टेड बियरिंग है। अब देख लीजिए ये आपकी करेक्टेड बियरिंग है, यहाँ पर बियरिंग कितनी है, ये आपकी करेक्टेड बियरिंग है, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग बियरिंग है, कितनी है, ये कौन सी है, रॉन्ग बियरिंग है। कितनी रॉन्ग है, क्या कम है इसमें, देखिए इसमें 35 मिनट है, इसमें कितने मिनट है, 5 मिनट है, इस रीडिंग में 5 मिनट है। तो कहने का मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये 35 मिनट हो जाए, 0 डिग्री ऐड करना है 30 मिनट, 0 डिग्री 30 मिनट इसमें ऐड करने पड़ेंगे तभी किसके बराबर होगी, इतने 125 डिग्री 35 मिनट। तो करेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव करेक्शन हो गया, कितने का, 0 डिग्री 30 मिनट का। अब देखिए ये कौन सा स्टेशन है, ए स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन से ई बैक बियरिंग में कितना करेक्शन है, 0 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब यहां पर जो फोर बियरिंग होगी उसमें भी सेम करेक्शन होगा, कितने का, फोर बियरिंग कितनी है, कितना है यहां पर, देखिए ए स्टेशन पे फोर बियरिंग ये होगा ए बी का यहां पर क्या होगा, ए के स्टेशन पे बैक बियरिंग कितना है, इतना है। तो एक बैक बियरिंग होता, एक फोर बियरिंग होता एक स्टेशन पे, तो बैक बियरिंग में करेक्शन कितना है, जितना बैक बियरिंग में करेक्शन होगा उतना ही फोर बियरिंग में करेक्शन होगा। तो फोर बियरिंग में करेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव, कितना होगा, 0 डिग्री 30 मिनट। इसमें ऐड कर दीजिए, करेक्ट बियरिंग कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 75 डिग्री 35 मिनट, ठीक। अब बैक बियरिंग निकालेंगे, बैक बियरिंग निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी वैल्यू 180 से कम है फोर बियरिंग की तो उसमें क्या करेंगे, 180 ऐड कर देंगे, ठीक। ये फॉर्मूला देखिए, बैक बियरिंग, अगर वैल्यू आपकी क्या है,
180 से कम है फोर बियरिंग की, ये वैल्यू अगर 180 से कम है तो क्या करेंगे, 180 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, जब 180 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी 255 degrees and 35 minutes। ठीक, ये क्या है, करेक्ट बियरिंग है। करेक्ट बियरिंग कितनी है, टू फिफ्टी फाइव डिग्री 35 मिनट। ठीक है, ये आपकी करेक्टेड बियरिंग है। और देख लीजिए करेक्शन कितना होना है, ये कितना है 254 degrees 20 minutes, ये कितना है 255 degrees 35 minutes। यानी कि करेक्शन कैसा है, इस वैल्यू को ठीक है इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंस इसका और इसका जब निकालेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि ऐड हो रहा है क्या, इस वैल्यू में हम क्या ऐड कर दें कि ये इसके बराबर हो जाए, तो करेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव करेक्शन हो गया। देखिए पॉजिटिव करेक्शन कितना है, 1 degree 15 minutes। अब देखिए यहाँ पर बैक बियरिंग में कितना करेक्शन हो रहा है, बी स्टेशन पे, बी स्टेशन की बैक बियरिंग में कितना करेक्शन है, इतना। तो यहाँ पर जो फोर बियरिंग होगी उसमें कितना करेक्शन होगा, सेम करेक्शन होगा 1 degree 15 minutes, 1 degree 15 minutes। तो एंड करेक्ट बियरिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट रीडिंग आपकी होगी 1 1 6 35 सेकेंड। क्या किया हमने, इसको और इसको ऐड कर दिया, जब ऐड करेंगे तो रीडिंग कितनी आ जाएगी 1 and 16 35 degree। अब देखिए ये करेक्शन ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, बैक बियरिंग निकालेंगे इसकी। बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हमारी क्या है 180 से कम है, तो दोनों में क्या करेंगे 1 and 16 35 minutes प्लस ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे आपको, ये कर देंगे ऐड आपका 180। जब 180 हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, कितनी वैल्यू आएगी 296 35 मिनट। देखिए ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, किसके बराबर हो गई, ये इस वैल्यू के बराबर, यानी कि करेक्शन कैसा है, जीरो करेक्शन है, कोई भी करेक्शन नहीं। तो फ्रेंड्स बैक जो लोकल अट्रैक्शन के कारण करेक्शन होता है, ये वैल्यू आपको समझनी, वह पेयर चुनना है आपको जिसमें कि डिफरेंस 180 के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा तो करेक्शन में क्या कर देंगे, यहाँ पर जीरो रख देंगे, उसी पेयर से स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, यहां से इसको स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया पूरा नीचे से, और फिर यहां से करते हुए ऊपर से, फिर ये यहां से यहां तक आ गए, यहां से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बड़े आराम से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए आप, और कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।